मालिक की साजन बाजी प्यारी सत्संग जी सतगुरु मुर्शदे कामिल, जब इंसान को मिल जाता है जन्मों जन्मों के पाप कर्म कट जाते हैं, इंसान पाक पवित्र हो जाता है, अंत्यकर्म की मैल धुल जाती है, दिलो दिमाग का शीशा साफ होता है और मालिक के रूहानी दर्शन होने शुरू हो जाते हैं। पूर्ण गुरु पूर्ण मुर्शिदे कामिल जी जीव को भी मिला, इतिहास गवाह है, उसके अंदर बाहर किसी भी चीज की कभी कोई कमी नहीं रहती। गुरु शब्द का मतलब अंधकार और रूह का मतलब प्रकाश। गुरु का मतलब जो अज्ञानता रूपी अंधकार में ज्ञान रूपी दीपक जला दे वो सच्चा गुरु है। संसार में बहुत से टीचर मास्टर लेक्चरर होते हैं जो अलग अलग क्षेत्र में इंसान को गाइड करते हैं, ट्रेंड करते हैं और आगे बढ़ने का रास्ता बताते हैं। पर रूहानी गुरु सच्चा गुरु मुर्शिदे कामिल वो होता है जो जन्मों जन्मों के पाप कर्म काट देता है, इस जन्म में गम दुख दर्द चिंता टेंशन से जो मोक्ष दिला देता है और मरणोपरांत आवागमन से मोक्ष दिलाता है वही सच्चा गुरु है। गुरु का काम बताना है, मानना शिष्य ने है। गुरु बताते हैं, पाठ पढ़ाते हैं और शिष्य सुन के अगर अमल कमाते हैं तो मालिक की दया में रहमत मुसलाधार बरसती है और खुशियों की कोई कमी नहीं रहती। तो ऐसे मुर्शिदे कामिल शाह सतनाम शाह मस्तान दादा रहबर मालिक जिन्होंने जीवों को सच्चे राह पे चलाया और उनके गुणगान हमेशा गाते रहते हैं। हमारे लिए तो सब कुछ हमारे सदगुरु मौला हैं, आज कोई अलग बात नहीं है, रोजाना ही दिलो दिमाग में उनके गुणगान चलते हैं, चाहे वो सेवादारों की बात हो या आम सा संगत में, तो उस मालिक की ही चर्चा होती है और उसी के प्यार मोहब्बत की बातें कही जाती हैं। और वो दया का सागर हमेशा दया बरसाता था, बरसा रहा है और उसकी स्पीड दिन दुगनी रात चौगुनी से कई गुना ज्यादा बढ़ती जा रही है। कोई रहमो करम हासिल करने वाला चाहिए, कोई कृपा दृष्टि को पाने वाला चाहिए, वो कोई कमी नहीं छोड़ता। तो इसलिए भाई ऐसा मुर्शिदे कामिल जिनको मिला हमेशा उनको याद रखिए, हमेशा वचनों पर अमल कीजिए, हमेशा उनके बताए हुए रास्ते पे चलने से जन्मों जन्मों के पाप कर्म कटेंगे, मालिक की कृपा दृष्टि बरसेगी और दोनों जहां की खुशियों के आप हकदार बनते चले जाएंगे। वो एहसान नहीं जताते, एहसान करते हैं। वो किसी से कुछ मांगते नहीं, देते हैं। वो झोलियां खाली नहीं, खाली झोलियां भर देते हैं। पर आदमी की भाव जैसे जैसे लोग तन मन धन से सेवा करके आगे बढ़ते जाएंगे त्यों त्यों मालिक की दया में रहमत मुसलाधार बरसती जाएगी और बढ़ती जाएगी।